पिक्चर देखो। मैंने सुना है कि यूरा प्रेग्नेंट थी। चेंग सॉन्ग, मुझे कोई ऐसा मिले जो पूरी उम्र मेरा ख्याल रखे। कौन हो तुम? यही सवाल मैंने पूछना है। वो पेन ड्राइव मुझे चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है जैसे तुम नहीं जानते। जिस दिन तुमने चेंग सॉन्ग को छुआ भी, तो याद रखना उस दिन तुम जिंदा नहीं रहोगे। रात को मेरा मैसेज नहीं मिला क्या? मिला था। फिर मुझे कॉल क्यों नहीं की? मैं डर गई थी। उस दिन से लेकर अब तक मैं इसी बारे में सोच रहा हूं। देखो ना, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं। मैंने सबसे पहले तुम्हें ही बताया कि मैं चेंग सॉन्ग को पसंद करता हूं, और फिर तुम ही से कहा कि जाकर उसे मेरा यह पैगाम दे आओ। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा मेरी मदद की जब भी मेरी चेंग सॉन्ग से लड़ाई हुई। जानता हूं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना आसान नहीं हुआ होगा। मुझे माफ कर दो। जाहिर है इतनी जल्दी तो मुझे माफ नहीं करोगी। हाँ, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करें और वो किसी और को चाहता हो, और वो भी आपकी आंखों के सामने, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूं। अगर तुम उस वक्त भी मुझसे इजहार करती तो मैं तब भी कुछ नहीं कर पाता, सिवाय इस बात के कि तुम्हें ना कर देता मैं। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा, मगर मैं एक अच्छी दोस्त नहीं खोना चाहता। एक तुम ही तो हो जिससे अपनी हर बात शेयर करता हूं। मुझे कुछ कहना है। तुम चेंग के नेबर डोमी जॉन को जानते हो ना? क्या पहले तुमने कभी उसको देखा है? उसके बारे में क्या कहना है तुम्हें? ये क्या है बोलो। 12 साल पहले जिस शख्स ने चेंग की जान बचाई वो इसी तस्वीर में है। कुछ याद आया तुम्हें? मैंने ये तस्वीर खुद खींची थी। तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? मुझे तो यकीन है कि ये डोमी जॉन ही है। ये कैसे हो सकता है? बहुत पुरानी बात है ये। सब कुछ बदल चुका है अब तो। अब वो कैसे आ सकता है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल डोमी जॉन से मिलता है जो चेंग का पड़ोसी है। चेंग को अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन अगर चेंग को इसके बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगी किसी को नहीं पता। क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? मैंने देखा था उसे, मगर मैं याद नहीं रख पाई। हाँ, हो सकता है वो मेरी पहली मोहब्बत ना हो, लेकिन मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। मेरे दिल में कुछ खलिश बाकी है जो उससे मिलकर ही पूरी होगी। खैर छोड़ो। क्या गुस्से में अपना ही घर छोड़ के चला गया? भूख लग रही है।
फ्राइड चिकन और ड्रिंक टेक अवे कर दें। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां क्या कर रही हो? अपने घर पर क्यों नहीं हो? टॉमी जॉन कहां है? क्या हो गया है तुम्हें? बाहर आओ तुम, चलो निकलो यहां से। दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। खुशी से नहीं रह रही हूं यहां। जब उस दिन छोड़कर गए थे तुम मुझे, तो कोई मेरे घर का फर्नीचर तोड़ के चला गया। पूरा घर फैला हुआ था, इसलिए यहां पर आ गई। मगर यहां पर क्यों? अपनी मॉम के घर चली जाती है। मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रह सकती, ये बात तुम जानते हो अच्छी तरह। और तुम चिल्ला क्यों रहे उतना? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ तो रह सकती हो। तुम्हारी फैमिली भी है साथ। मैं तुम्हें नया घर लेके देता, वहां पर रहो। कोई परेशानी होगी तो कम अज कम आ तो सकता हूँ ना मैं। क्या हो गया, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मेरा एक फार्म हाउस है, वहां पर चलते हैं हम दोनों। वो जगह बहुत सिक्योर है, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। अभी चलो साथ मेरे, वहीं रहोगी तुम। प्लीज चैंगसोंग, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें वहां कोई परेशानी नहीं होगी। चलो मेरे साथ। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, अपना सामान पैक करके आती हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। जा रही हूं मैं। अब मालूम होगा तुम्हें, जब मैं तुम्हें घर में नहीं मिलूंगी तो ये घर तुम्हें काटने को दौड़ेगा। क्यों आए हो यहां? तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लियो के साथ उसके फार्म हाउस पर नहीं, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि वो मुझे लेने आए। नहीं छोड़ो साहब, कुछ नहीं लिखना मुझे। घूर क्यों रहे हो इस तरह? पहले भी मिल चुके हैं। उस ट्रक से चैंगसोंग को तुम ही ने बचाया था, वही हो ना तुम? खामोश क्यों खड़े हो, कुछ कहते क्यों नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी तस्वीर मेरे पास है और उस तस्वीर में जो आदमी है वो तुम ही हो। धोखा हुआ है तुम्हें, मेरे जैसा ही कोई आदमी होगा। और वैसे भी काफी अरसा गुजर चुका है इस बात को, किसी की शक्ल याद रखना मुश्किल है, वो कोई और इंसान होगा। सही कहा तुमने, 12 साल गुजर गए लेकिन तुम्हारा चेहरा वैसा ही है।
इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मुझे बिल्कुल मतलब है। मुझे बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं हुई, वो तुम ही थे। उस तस्वीर के अंदर तुम्हारी शक्ल साफ साफ दिख रही, यही चेहरा था। देखो तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता, तुम्हारे जो जी में आए सोचते रहो, मगर आइंदा इस बात के लिए मुझे तंग मत करना। और कुछ कहना है या मैं जाऊं? मुझे भी परवाह नहीं कि तुम कौन और वो हो या नहीं, लेकिन अगर तुम चैंग को पसंद करने लगे हो तो ये मेरे लिए परेशानी है। तुम्हारी हर एक चीज बहुत पुरअसरार है, कौन हो कहां से आए कोई नहीं जानता। जिस लड़की को मैं बचपन से जानता हूं वो तुम में इन्वॉल्व हो रही है। उसे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ सोचा भी लियो, तुम वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूं, मुझे डोमी जॉन से जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूं? फिर शुरू हो गई है तो। मैंने तुमसे पूछा था ना कि उस रात तुम मुझे बचाने आए थे, तुमने कहा था नहीं, तो फिर ये क्या है? तुम बता दो क्या है ये? मेरी गाड़ी के हेडलाइट का शीशा है ये, तुम्हारी डस्टबिन से मिला और इसके ऊपर तुम्हारा खून भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि उस रात तुम वहां आए थे और तुम ही ने गाड़ी को रोका, और इसीलिए गाड़ी की हेडलाइट टूटकर तुम्हारे हाथ पे लग गई, फिर तुमने घर आकर हाथ की पट्टी कर ली, और ये टुकड़ा इस बात का सबूत है। तुम वहां पर कैसे आए खुद ही बता दो। मुझे सिर्फ लगता था कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मगर आज यकीन हो गया। वो कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारी ही गाड़ी की हेडलाइट कांच की है? उस दिन जब वो पॉट टूटा था तो उसके टुकड़े तुमने डस्टबिन में डाले थे, याद है? पर ये कांच का टुकड़ा उस पॉट का नहीं है। डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, तुम्हें हेलोसिलेशन की बीमारी है। पुलिस स्टेशन क्यों गए थे और वहां किससे मिले थे? क्यों गया था पुलिस स्टेशन फोन कर खुद ही मालूम कर लो। बात सुनो, उस दिन तुमने मुझे ये तो नहीं बताया था कि तुम्हारा हाथ किसी पॉट से कट गया है। हाँ तो दिखाओ मुझे, मैं खुद देखूंगी, जख्म देख के खुद ही मालूम हो जाएगा कि जिस चीज से तुम्हारा हाथ कटा है वो क्या चीज थी। ना अपना हाथ दिखाओ। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो फिर ये पट्टी क्यों लगाई हुई है? उतार दो इसे। अगर तुमने देख लिया है तो हाथ छोड़ दो मेरा। कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये सब है क्या। बहुत अजीब हो तुम। और तुम भी। मैं अपनी जिंदगी बहुत सुकून में गुजार रहा था तुम्हारे आने से पहले, तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है। फिक्र मत करो, जा रही हूं मैं। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बताऊंगी भी नहीं कि कहां जा रही हूं।
क्या बात कर रही थी तुम उससे? क्या कंफर्म करना था तुम्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। चले, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ये कीनू तो बहुत मीठा है। ये क्या लेटे लेटे तुम खा रही हो? उठ के बैठ नहीं सकती? चलो उठ जाओ, मुझे रूम की सफाई करनी है, बहुत बिखरा हुआ है। सुन रही हो? तुमसे बात कर रही हूँ। तुम किसी को पसंद करने लगी हो क्या? ये डेकोरेशन पीसेस किसके लिए बनाती रहती हो? मैं तो नहीं करती, तुम जरूर किसी को पसंद करने लगी हो। किसकी बात कर रही हो? उसी की बात कर रही हूँ जिससे तुम हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हो। ऐसे देख रही हो मोबाइल को जैसे किसी के कॉल का इंतजार है। मैं किसी के फोन का वेट नहीं कर रही। पसंद तो मुझे भी कोई है, वो सबसे मुख्तलिफ है इस दुनिया में। ना जाने वो कैसा दिखता है, क्या सोचता है, लेकिन उसका एहसास मेरे अंदर हर वक्त मौजूद है। ना जाने कभी उससे मिल पाऊंगी भी या नहीं। तुमने क्या अभी तक उसे देखा भी नहीं? हाँ, शायद कुछ लम्हों के लिए देखा था उसे। पहचाना आपने? आपको शायद आप भूल रहे हैं, हम एक बार पहले भी मिल चुके हैं। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, ये मुझे देर हो रही है। फिंगरप्रिंट लॉक है ना ये? कोई और इसे खोल तो नहीं सकेगा ना? अच्छा, इसके बाद तुम एक अलार्म भी लगा देना और सीसीटीवी कैमरा भी। हाँ, एक इधर और एक उस तरफ, और हाँ वहां भी। चेंग, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे घर में कौन आया था? पुलिस में रिपोर्ट करवाई तुमने? सब काम हो गया, अब फिक्र की कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने के लिए ऑर्डर करें? ऑफ कोर्स, मुझे भी भूख लग रही है। प्लीज आहिस्ता बोलिए। और तुमने मेरे मॉम और मेरे भाई को यहाँ क्यों बुलाया लियो? तुम मेरे साथ घर नहीं गई और होटल जाना तुम्हें पसंद नहीं, अम्मी के घर रहना नहीं चाहती तुम। ऐसा कहा तुमने? आप लोग घर वापस चले जाएं, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं है, मैं यहीं रहूंगा, अकेले नहीं रहोगी तुम। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा अगर तुम्हारा भाई यहाँ रहे। चलो ये मसला तो हल हो गया। तो ठीक है, मैं भी रुक जाती हूँ यहीं। लियो मॉम को साथ ले जाओ, उन्हें घर छोड़ देना। ठीक है, मुझे भी शौक नहीं है रुकने का। ओ हाँ, तुम्हें मिस्टर लिंग याद है? तुम्हारी उनसे कोई बात हुई? नहीं। उस मनोस आदमी से? अगर वो तुम्हें कॉल करे तो उनकी कॉल रिसीव मत करना, कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। ओके ओके। सुनो, क्या तुम डोमी जॉन को जानते हो? हाँ, क्यों? आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यही तो जानना है। उस बिल्डिंग की लिफ्ट 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है और 24th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक 79 मीटर्स बनते हैं। अगर लिफ्ट नॉनस्टॉप चलती रहे तो फिर 34 सेकंड में ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाती है, और कोई भी शख्स सीढ़ियों से इतनी जल्दी नीचे नहीं आ सकता। इतनी जल्दी तो कोई जंप लगा के ही नीचे आ सकता है, वरना तो नामुमकिन है ये बात। कोई और रास्ता या कोई और प्राइवेट लिफ्ट? हाँ, एक और लिफ्ट है, लेकिन उसे मेंटेनेंस वालों के अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह सच है कि 24th फ्लोर पर उससे मिला था मैं, और वो ग्राउंड पर पहले पहुंच गया। कैसे? जादूगर तो नहीं है वो कहीं?
तुम्हें क्या लग रहा है, जो कुछ तुम कर रहे हो ठीक है? वैसे इन दिनों इमोशनल होकर तुम कितनी गलतियां किए जा रहे हो। चैंग खतरे में है। तो क्या करोगे? वो आदमी ऊपा उसके घर आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तुमने अब तक चैंग को क्यों नहीं बताया कि ये सब कुछ ऊपा करवा रहा है। उसे बता देना चाहिए तुम्हें। वो आदमी लियो का भाई है और वो उससे दूर नहीं रह सकती। चैंग के लिए अच्छा है कि उसे ये बात मालूम ही ना हो कि वो आदमी कैसा है। अगर उसकी हकीकत किसी को भी मालूम हुई तो वो सबके लिए खतरा बन जाएगा। तुम क्यों सोच रहे हो इतना? तुम्हें आज तक कभी किसी की इतनी फिक्र नहीं हुई। अब इमोशनल होना बंद करो और अपने बारे में सोचो। हर तरह की मौत तुम्हारी फाइल में बयान हो चुकी है, कभी हादसे से मौत और कभी बीमारी से, पर इस बार नेचुरल करना होगा क्योंकि तुम काफी लोगों से जुड़ चुके हो। समझ रहे हो? इस बार तुम्हें सब लोगों के सामने अपनी जान देनी होगी, खास तौर पे वो लोग जो तुम्हें जानते हैं उनके सामने तुम्हारी मौत दिखानी होगी ताकि उन सबको यकीन आ जाए। देखिए, मैं जो कुछ जानती थी आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब बार बार आके मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? प्लीज चले जाए यहाँ से। बस एक बात का जवाब दे दो तुम, क्या तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड था? बता चुकी हूँ, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी? हमने छानबीन की है तो पता चला है इस बात का। अगर तुम इस बारे में कुछ जानती हो तो बता दो, क्योंकि इस बात से केस सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी हमें। अब आप ये बात सारी मीडिया को बताएंगे ना? मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी है, कम से कम उसकी रूह को तो सुकून से रहने। तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारी बहन को मारा गया है, उसका मर्डर हुआ है। क्या तुम नहीं चाहती कि उसके कातिलों को पकड़ा जाए, उनको सजा हो? जिसने भी यूरा की जान ली है वो कोई आम आदमी नहीं है, और यकीनन यूरा उसके बारे में कुछ ऐसा जानती थी जो वो नहीं चाहता था कि किसी को मालूम हो, इसीलिए उसने उसका मर्डर किया। वो हमेशा उस लड़के के बारे में बात करती थी, वो उसे बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट भी भेजा करता था, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। और जल्द ही वो दोनों शादी भी करने वाले थे। उसके फोन रिकॉर्ड एक दफा दोबारा चेक करो, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं कि वो डोमी जॉन है? कुछ कह नहीं सकते। तुमने बताया था ना कि वो बहुत अमीर है, तो इतने महंगे गिफ्ट तो वही भेज सकता है, क्यों? हाँ बताया था, लेकिन वो अकलौता नहीं है जो इस दुनिया में अमीर हो। मम्मा, आपने देखा वहाँ कोई था और अचानक ही गायब हो गया, आपने ही देखा? ऐसा नहीं होता बेटा। डोमी जॉन पर नजर रखो तुम लोग, मुझे उसके हर पल की खबर चाहिए। हाँ चैंग सॉन्ग, तुम ठीक तो हो ना? योग तुम्हारे साथ ही है ना? कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। पता नहीं कौन पागल है जो तुम्हें तुम्हारे घर से ही किडनैप करना चाह रहा है, उसका तो देखना मेरे हाथों ही कत्ल होगा। चलो ठीक है, गुड नाइट। अब क्या हो गया चैंग के साथ? वही, कोई पागल उसके पीछे पड़ा हुआ है। सुनो, क्या तुम डोमी जॉन को जानते हो? हाँ, क्यों? आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यही तो जानना है। आजकल चैंग के साथ काफी नजर आता है वो। मुझे लगा मुझसे पहले तुमने ऑब्जर्व कर लिया होगा, लेकिन तुम अनजान हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। असल में वो चैंग का नेबर है, बस इसीलिए उनकी इतनी बात होती है आपस में। अच्छा? हाँ, आजकल आप चैंग सॉन्ग के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं।
क्योंकि तुम पसंद करते हो उसे, इसीलिए पूछ रहा था तुमसे मैं। चलो गुड नाइट। क्या फजूल सी किताब है, मूंग योंग को इसमें अच्छा आदमी दिखा रहे हैं। एक आदमी 10-10 लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है। लोग भी पागल ही हैं। क्या कर रहे हो? ये तो मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ रहा। कहीं सो तो नहीं गया? तुम सो गए क्या? क्या कर रहे हो, सो गए क्या? ओह, उसने पढ़ लिया मैसेज। अब पढ़ ही लिया है तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? आप कौन? जी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। आप कल बैंक आ जाएं, आपके अकाउंट में पैसे बहुत कम हैं। आपका क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम साथ चलोगे तो मुझे हौसला मिलेगा। अगर लड़खड़ाई भी तो तुम मुझे संभाल लोगे। ये रही आपकी बैंक स्टेटमेंट। अकाउंट खाली कैसे हो गया? आपने कुछ दिनों पहले बड़ी अमाउंट निकलवाई थी किसी कंपनी को पे करने के लिए। अच्छा, तो क्या मुझे थोड़ा लोन मिल सकता है? आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच चुकी हैं और हमारे बैंक का रूल है कि गारंटी के तौर पर कुछ न कुछ रखवाना पड़ता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो हम एक्सक्यूज मी, आप शायद भूल रहे हैं, चेंगसोंग हूँ मैं। अगर पूरे कोरिया में किसी से भी लोन मांगूंगी तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए सॉरी। चाहे कोई आर्टिस्ट हो या बिजनेसमैन, रूल सबके लिए एक जैसे हैं। उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपके अकाउंट में पिछले 2 महीने से कुछ भी डिपॉजिट नहीं हुआ और जो रकम थी वो भी आप खर्च कर चुकी हैं। आई एम सॉरी मिस चेंग, इस वक्त कुछ भी करना मुश्किल होगा। आप ये मत भूलिए कि मैं आपके बैंक के बहुत पुराने अकाउंट होल्डर हूँ। मेरी वजह से आपकी ब्रांच चलती थी और आज आप मुझे मना कर रहे हैं। आप गोल्ड कस्टमर नहीं रही, आपने क्रेडिट कार्ड से भी बहुत शॉपिंग की है, उसकी पेमेंट भी अभी तक नहीं हुई है। पर मैंने तो उससे कभी लगता है मेरे क्रेडिट कार्ड्स को मेरी मॉम ने यूज किया है। अच्छा, आपके बैंक में मेरा कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट रखा हुआ है, तो वो पैसे आप मुझे कब तक दे सकते हैं? आई एम सॉरी मिस चेंग, फिक्स्ड डिपॉजिट तो आपको टाइम पूरा होने के बाद ही मिल सकेगा।
और उसके बदले भी हम आपको लोन नहीं दे सकते। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैं अपनी गाड़ी बेच दूं? ये क्या सोच रही हूं मैं? हाय मेरी जान, मैंने जो भी कहा तुमने सुना तो नहीं ना? अगर ये पर्स बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे मुझे? हाँ, क्या हो गया? कैसे ख्याल आ रहे हैं मुझे? देखो तुम्हें अभी जाना होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखना, हर तरह के स्ट्रेचेस से बचना। चैंग, ये सब क्या है? आपको क्या नजर आ रहा है? ये बैग्स मेरे फेवरेट हैं। इनको हमेशा बहुत एहतियात से रखा है मैंने। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ इन्हें। यहाँ क्यों लाई हो? आप ये आधी कीमत में ले लें। जब लोगों को मालूम होगा कि ये मेरे बैग है तो उसे फौरन खरीद लेंगे। मैं उन्हें कहूंगा कि तुमने इन्हें कभी यूज नहीं किया। क्यों? तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए ना? What? Excuse me. मालूम भी है क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है। मैं सिर्फ इसलिए बेच रही हूँ कि लोगों को फायदा हो। आपको मालूम भी है कि मेरे ये पर्स कितने महंगे और कितने इम्पोर्टेंट है। इन्हें इस्तेमाल भी नहीं किया और फिर भी लोगों को दे रही हूँ ताकि गरीबों का कुछ भला हो। पहले तो कभी गरीबों की फिक्र नहीं हुई। देखो चैंग, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बहुत सी चीजें बेच चुकी हो। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इस वक्त ये सब चीजें यहाँ से लो और यहाँ से चली जाओ, और प्लीज दोबारा ये सब लेकर यहाँ मत आना। मोटा मैनेजर पागल हो गया, इसे लग रहा है पूरी दुनिया में सिर्फ इसी की एक दुकान है। ये अच्छी तस्वीर आई, कितनी क्यूट लग रही हूँ मैं। दुनिया के बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा है कि आप किसी भी किस्म की नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो जाएं, तो उसका असर आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी थोड़ा बहुत जरूर होता है। डिस्काउंट मिलेगा? आई एम सॉरी, हम इंसान जहनी तौर पर बहुत कमजोर होते हैं। दूसरे लोगों का असर हम पर फौरन हो जाता है। कोई कुछ भी करे उससे या तो हमें परेशानी होती है या खुशी। कितने परसेंट डिस्काउंट है? कौन है आप और मुझे मैसेज क्यों कर रही हैं? किस डिस्काउंट की बात कर रही हैं आप? नेट पे चीजें लगाई हुई है आपने चैंग सॉन्ग की, और लिखा है डिस्काउंट मिलेगा। आप ही का नंबर दिया हुआ है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इतनी बड़ी रकम वापस करने की हामी मत भरो। देखो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है उसमें क्या लिखा है, तुम्हें डबल पे करना होगा। ये सब क्या है? मैंने तो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम भूल गई, तुमने उस दिन सबके सामने कहा था कि उनका जो भी नुकसान हुआ है वो तुम भरोगी। अब वो पुराने नुकसान को भी जोड़ सकते हैं ना। तुम्हें अकाउंट्स में जाके उनसे बात करनी चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी होगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। क्या हुआ? एक फेवर चाहिए मुझे तुमसे। 50% डिस्काउंट मिलेगा इन चीजों पे? पहले एक बात का जवाब दो जरा।
तुमने मेरा नंबर कॉन्टेक्ट नहीं में डाला हुआ है। क्या कोई कॉल आई? तुम्हें मेरा नंबर वहाँ देने की क्या जरूरत थी? सुबह से 10,000 मैसेजेस आ चुके हैं मुझे। उन्हें मना कर दो, कह दो कि किसी भी किस्म का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इतनी महंगी चीजें हैं मेरी, मना कर दो फौरन। मेरी बात का जवाब दो पहले। छोड़ो अभी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे अपनी एजेंसी जाना है, तुम साथ चलोगे? मैं क्यों चलूं? उनके साथ कोई डील करनी है। ये तुम्हारा काम है, तुम खुद जाओ। अगर मैं अकेली जाऊंगी तो मैं कुछ भी करके आ सकती हूँ। मतलब? मेरे अंदर अब पहले जैसी कोई बात नहीं रही। ये देखो मेरे नेल्स, लेपर्ड आर्ट किया है ताकि मेरे अंदर कुछ गुस्सा आए। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है मेरा। अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए मेरे पास ये अच्छा मौका है। मुझे ये करना चाहिए, अपने पैरों पे मुझे फिर से खड़ा होना है। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, वो तो मैं कमा लूँगी फिर से, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी मायूस क्यों हो रही हूँ? हर चीज़ बेमानी सी हो गई है मेरे लिए। अगर तुम साथ चलोगे तो मुझे हौसला मिलेगा, अगर लड़खड़ाई भी तो तुम मुझे संभाल लोगे, ठीक है ना? कशाओं से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे।